हे एवरीवन, मैं हूँ पूनम और मैं फिर से लेके हूँ टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। बनाना और आटे से बनी ये पैनकेक डोरा केक की रेसिपी। तो मैंने एक बनाना लिया था और उसमें 4 चम्मच चीनी के करीब मैंने इसको ग्राइंड में पीस लिया। पीसने के बाद मैंने इसमें डाला 100 ग्राम दूध और इनको भी दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने उतना ही एक छोटी कटोरी दूध लिया था और उतना ही मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा मिक्स किया और उसमें डाला 3 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, पूरा अच्छे से फेंट लिया और इसको 2-4 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था ताकि अच्छे से प्रॉपरली आटा फूलकर उठ जाए। तो पूरा अच्छे से हो चुका है। इसकी अभी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है तो इसमें और आटा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। यहाँ रख लिया मैंने पैन, अब डाल इस पर गोल गोल पैन केक और ये देखो प्रॉपर यहाँ सीख रहे हैं और सीख के ये तैयार हो जाएंगे। हम इनको निकाल लेंगे, ध्यान से आप निकालें, हाथ जलने का थोड़ा सा डर होता है। तो आप इसको निकाल के एक बर्तन पे अलग रख लीजिए। मैंने लिए एक बर्तन में मेल्टेड चॉकलेट और चॉकलेट स्टफ मैंने इसके अंदर यहाँ पे लगाया और लगाने के बाद मैंने इनको अच्छे से कट करके रख लिया। टिफ़िन की रेसिपी है, आई होप आपको भी पसंद आई। देखिए कितने सुंदर सुंदर ये कलर आ रहा है, तो आपको भी पसंद आए तो आप भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे बना करके इस पर चॉकलेट लगा करके रख लिया। हम इन दोनों को हम एक दूसरे से ऊपर रख लेंगे और इसको चाकू की सहायता से इनको कट कर लेंगे। तो देखिए कितने सुंदर ये बनके तैयार हुए हैं और खाने में भी बहुत टेस्ट तैयार हुए हैं। तो देखिए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों की टिफ़िन की रेसिपी है, आप इनको फटाफट से बच्चों को बना कर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।